हे एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम होंडा यूनिकॉर्न का काम करने वाले हैं, डिस्क ब्रेक का। तो वीडियो आप कंटिन्यू देखना और प्लीज जाओ जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं 1 महीने के अंदर, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना मुझे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जो मास्टर सिलेंडर है इसका हम पिस्टन चेंज करने वाले हैं, तो मास्टर सिलेंडर का वर्क करेंगे। तो आप इसके लिए भी कंटिन्यू वीडियो देखो। डिस्क पैड भी चेंज करेंगे और नया ऑयल डालेंगे। ये ब्रेक कम से कम खराब होके 1 साल हो गया है, तो इसे कैसे रिपेयर करते हो आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिलेंडर के ऊपर जो दो स्क्रू है इसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम पिस्टन इंस्टॉल करेंगे। चलिए, तो अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 साल से बंद है और मास्टर सिलेंडर एकदम चोक हो गया है। अभी देखेंगे इसे क्लीन होता है या ये कोर करता है या नहीं करता है। तो चलिए फिर शुरू कर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मास्टर सिलेंडर बाहर निकाल लिया है। इसे आप वॉश करने वाला हूँ मैं पेट्रोल से। इसके अंदर जो लॉक पिन रहती है उसको मैंने निकाल दिया है, सिर्फ पिस्टन निकालना बाकी है, उसको मैं अभी निकालूंगा। तो चलिए फिर साफ करने के बाद आपको मिलता हूँ। मास्टर सिलेंडर क्लीन हो गया है, जितना हो सकता था उतना मैंने क्लीन कर लिया। अभी जो पिस्टन है, आप पंप भी बोल सकते हो, इसके ऊपर ऐसी स्प्रिंग लगती है कुछ इस तरह से। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लो और इसके अंदर भी, और फिर इसके अंदर इसे इंसर्ट कर लो। देख सकते हो आप, लग गया। इसके ऊपर ये वाइसर लगता है, वाइसर बोलते तो लॉक लगता है ये सर क्लिप, तो इसके ऊपर अभी लगा देंगे। चलिए, क्लिप लग गई ये लॉक एकदम अच्छे तरीके से। बट मुझे लग रहा है वो थोड़ा ओवर साइज है, पर लग गया। थोड़ा सा हार्ड वर्क करके लगा दिया मैंने। तो अभी इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ब्रेक ऑयल .4 का या .3 का आप डाल सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी इसके अंदर का हमें लगाना पड़ेगा। चलिए फिर, ये जो रहता है उसको रॉड बोलते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग भी रहती है, तो थोड़ा ग्रीस लगा के आप लगा देना। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लीवर, इसे फिर से हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। लग गया। इसके अंदर हम अभी बोल्ट को लगा देते हैं। तो बोल्ट के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है आपको, जो कि इन फ्यूचर में जाम ना हो, इसलिए एक बार चेक कर लेंगे। तो ये परफेक्ट हो गया। चलो अभी इसे टाइट कर लेते हैं। इसके नीचे का जो नट है इसे भी हमें लगा देना है। अब टाइट करेंगे। तो अभी मास्टर सिलेंडर एडजस्ट भी हो गया, पाइप भी लग गया है, क्रश वाइसर भी एकदम ओके, एकदम अच्छे तरीके से लग गया। तो अभी ऑयल डालेंगे। चलिए, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस इतना ही ऑयल डालना है हमें। तब तक दबाएंगे जब तक कि बुलबुले आना बंद ना हो जाए और ब्रेक हार्ड ना हो जाए, तब तक दबाएंगे। तो अभी बबल्स आना बंद हो गए हैं और लीवर भी थोड़ा बहुत हार्ड हो गया। अभी बारी हम कैलिपर के अंदर से ऑयल निकालेंगे। चलिए, 11 के स्पैनर से आप देख सकते हो, इसे हम ओपन करेंगे ड्रेन बोल्ट को, या ऐसे हमें एयर निकालना है। इसके लिए एक पाइप लगा के कुछ इस तरह से एक छोटी सी बोतल लेके उसके अंदर रख दो, और फिर इसके अंदर से ऑयल निकलेगा। आप देख सकते हो, अभी मैं ऊपर स्प्रिंग दबाऊंगा, ऑयल निकलेगा। तो अभी ऊपर से ऑयल पूर करता हूँ और यहाँ से निकाल लेता हूँ। जब तक अच्छा ब्रेक ऑयल ना निकले तब तक हमें करना है। तो अभी सारा गंदा ऑयल निकल गया, तो अभी इसे चेक कर देंगे हम। तो अभी सब कुछ एकदम रेडी हो गया है, मैंने स्क्रू भी चेंज कर दिए। अभी बारी है ब्रेक पैड चेंज करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 mm के बोल्ट से मैंने पहले से लूज करके रखे हैं, तो इसे खोल लेते हो पहले। चलिए, तो पहले हम स्प्रिंग को निकाल लेंगे। देख सकते हो आप, एकदम आराम से निकल गई।
यहाँ पे लगी होती है। तो चलिए, तो अभी इस लॉक पिन को निकालने के लिए यहाँ से इस होल से हिट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हिट करने के बाद पिन निकल जाएगी, इसे पूरा बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे क्लीन कर लेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे ब्रेक पैड। तो आप देख सकते, ये देख सकते हो आप, पुराने वाले एकदम ख़त्म हो गए थे, तो अभी नए वाले डाल देंगे। चलिए, तो अभी नए वाले ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे। आप थिकनेस देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिकनेस है। जो ये कट वाला डिस्क पैड है वो इस साइड लगेगा कुछ इस तरह, ब्रेक पैड इस तरीके से लगा लेने हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे लगेगा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे लॉक हो जाएगा। दोनों भी सिलेंडर अंदर होने चाहिए, या फिर आप पुश कर दो सिलेंडर को आराम से, उसके अंदर उंगली मत आने देना, तो बहुत ज़ोर से प्रेस होगा, उंगली कट भी सकती है। अभी इस साइड का हम ब्रेक पैड लगा देंगे दूसरी साइड का, और फिर हम पिन को लगा देंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अभी इसके ऊपर से थोड़ा हिट करेंगे और हो जाएगा। ये जो छोटा सा होल है इसके अंदर हमें पिन लॉक कर देनी है। पिन लगने के बाद ये जो डिस्क पैड है तो ब्रेक पैड को हम सीधा कर लेंगे, गैप बनाना है अंदर, और फिर हम डिस्क के अंदर लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो, 400 सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करने। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर।